हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों प्रोसेसर के मामले में अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर जो प्रोवाइड करता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स आता है, जो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि अभी के टाइम पे जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर था वो था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865G का प्रोसेसर। ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865G है, इसके बाद ऑब्वियसली मार्केट पे बात चल रहा था कि जो नया प्रोसेसर आने वाला है वो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875। बट फाइनली ट्विस्टडे को क्वालकॉम के तरफ से जो मीटिंग था, जो स्नैपड्रैगन टेक समिट था, उस पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने बोला है, बेसिकली क्वालकॉम ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि अपने तरफ से वो लोग 875 को लॉन्च नहीं कर रहे, वो लोग लॉन्च कर रहे सीधा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इसी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के बारे में। देखते हैं क्या है इस प्रोसेसर के अंदर, कौन से फ़ोन के साथ ये प्रोसेसर सबसे पहले मार्केट पे आएगा, अचानक से इस प्रोसेसर का नाम 875 के जगह 888 क्यों दिया गया, क्या है इस प्रोसेसर के अंदर, कैसे कैसे काम करता है, एंड फाइनली देखते हैं कि ये जो प्रोसेसर है इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस जो वो प्रोवाइड कर सकता है, वैसे परफॉर्मेंस क्या कंपनी उसको प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो दोस्तों, जब 865G आया था तब लोगों के मन में था कि हाँ बहुत अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसके बाद एज अ सक्सेसर अगर कोई भी प्रोसेसर आएगा क्वालकॉम के तरफ से तो ऑब्वियसली वो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875। इवन दोस्तों मार्केट पे ऐसे भी बहुत सारे बात चल रहे हैं कि 875 के साथ ये फ़ोन मार्केट पे लॉन्च होगा इस महीना या नेक्स्ट साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। बट इसी के चलते इसी बीच में क्वालकॉम ने अपने जो स्नैपड्रैगन टेक समिट है उसके अंदर बोल दिया है कि नहीं भाई, हम लोग 888 को लॉन्च कर रहे, 875 को लॉन्च नहीं कर रहे। अब ये जो 888 है, इस नाम का एक स्पेसिफिक रीजन है जिसके बारे में वीडियो पे आगे हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 है, मतलब 888 जो प्रोसेसर है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है इसका 5G कनेक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 160 मोडेम देखने को मिल जाता है, जो एक 5G मोडेम है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 160 मोडेम जो है ये काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी नए जो है मोडेम देखने को मिल जाता है। और इसी के चलते जो इसका 5G कनेक्टिविटी का जो प्रोसेसिंग पावर है या जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो काफ़ी अल्टीमेट लेवल का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को MM वेब एंड सब 6 नेटवर्क्स का एक्सेस का भी देखने जो है एक्सेस मिल रहा है। तो इसी के चलते सारी चीज़ को हम मिला लेते हैं अगर, तो 888 के थ्रू आप लोगों को एक हाई लेवल का 5G कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कोर्स वगैरह के बारे में, तो अगर हम सिंगल कोर का बात करें या इस सिंगल कोर के हम अगर हम गिगबेंच के साथ लिस्टिंग के बात करें या गिगबेंच कोर के साथ बात करें, तो यहाँ पे जो स्कोर निकल कर आता है या जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस है वो भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इसी के चलते अगर हम इसका परफॉर्मेंस के साथ इसको टैली करें तो आप लोगों को एक अल्टीमेट फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा इसी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के तरफ से। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे कुछ नए चीज के बारे में, जहां पे आप लोगों को दोस्तों 6 जनरेशन का क्वालकॉम AI इंजन देखने को मिल जाता है, इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हुए जितने भी काम आप इस प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हो उसका भी हायर जो आउटपुट होता है वो ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों एक बात क्या होता है, जब ये प्रोसेसर किसी फोन के साथ अटैच्ड होगा तब वो जो मोबाइल कंपनीज होती है, जो स्मार्टफोन कंपनीज होते हैं, वो इस प्रोसेसर को टोटली यूज़ करने के लिए जो हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करता है। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में पड़ के ये जो मोबाइल या स्मार्टफोन कंपनीज है वो अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसे परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड नहीं करता है, जिसको यूज़ करके आप ये जो स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है इसका अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस कर पाओ। देखो दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888
एट ये जो प्रोसेसर है ये एक फ्यूचर प्रोसेसर है। बेसिकली अभी के टाइम पे नहीं, अभी से एटलीस्ट 5 साल बाद भी अगर किसी भी फ़ोन आया तो उसको भी अगर आप उसी फ़ोन को भी अगर इस प्रोसेसर के थ्रू रन करवाते हो, किसी भी हाई परफॉर्मेंस जो है साथ आप अगर आप रन करवाते हो तो भी ये प्रोसेसर लैग नहीं करेगा, तो भी एक अल्टीमेट लेवल का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप सोचते हो कि स्नैपड्रैगन 888 जो है ये अभी के टाइम के लिए सही है, इन फ्यूचर नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इन फ्यूचर जो बात हो रहा है जो 500-600 मेगापिक्सल्स के कैमरा का, वहां पे भी ये प्रोसेसर उसको सपोर्ट करेगा। देखो दोस्तों, ये कैमरा मेगापिक्सल के बारे में वीडियो पे आगे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। इवन दोस्तों, अगर हम बात करते यहां पे कौन से कंपनीज है जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर को यूज करना चाहता है, देखो दोस्तों काफी सारे कंपनीज जो है वो सोच रहे कि हम लोग अपने आने वाले जितने भी फ्लैगशिप फोन वगैरह होगा उसके अंदर इस 888 को यूज करेंगे, SD888 को यूज करेंगे। बट कौन से कंपनी सबसे पहले लेके आएगा, इसको लेकर अभी भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। देखो दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसी के और कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 26 टेरा ऑपरेशंस पर सेकेंड का फीचर्स मिलता है AI प्रोसेसिंग के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर AI रिलेटेड कोई भी काम हो उसका जो प्रोसेसिंग पावर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया जा रहा है इसी के अंदर। अब आ जाते हैं कि ये जो 888 प्रोसेसर है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा होगा। ऑब्वियसली दोस्तों, ये जो 888 प्रोसेसर है इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इलाइट गेमिंग मोबाइल इंजन, और इसी के चलते आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो एक अल्टीमेट लेवल तक पहुंच जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर ये जो प्रोसेसर है ये 144 FPS तक सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड कोई भी गेम खेल रहे हो जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है वो 144 FPS के साथ एक अल्टीमेट लेवल का मिल जाएगा इसी प्रोसेसर के चलते। तो कोई भी लैग वगैरह या जो भी प्रॉब्लम से गेम खेलते वक्त होता है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर जैसे मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो कंपनीज वगैरह है वो आप लोगों को अल्टीमेट जो प्रोसेसर को यूज करने के लिए स्पेसिफिकेशन फोन के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड देना चाहिए, वो कभी प्रोवाइड नहीं करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा वगैरह का, तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को याद होगा 108 मेगापिक्सल कैमरा का भी बात हो रहा है, इवन दोस्तों मार्केट पे अवेलेबल भी है। बट ये जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसको भी ये प्रोसेसर काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बिकॉज ये एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस के साथ आता है। बट अगर हम दोस्तों बात करें इन फ्यूचर जो 500-600 मेगापिक्सल का कैमरा का बात हो रहा है उसके साथ ये कैसे कंप करेगा, ऑब्वियसली जब हम 500-600 मेगापिक्सल के कैमरा को यूज करेंगे तब भी ये जो प्रोसेसर है ये अपना टॉप परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर हम कैमरा क्वालिटी का बात करें तो ये जो प्रोसेसर है ये कितने अच्छे से फोटो को कैप्चर करने में कैपेबल है दोस्तों। ये जो प्रोसेसर ये 2.7 गीगापिक्सल्स तक का फोटो को कैप्चर कर सकता है। अगर हम एकदम सिंपली बोले तो 120 फोटो अगर आप खींचते हो 12 मेगापिक्सल्स पे तो एक सेकंड के अंदर आपको 120 फोटो आप 12 मेगापिक्सल कैमरा के थ्रू खींच सकते हो। तो इतने सारे पावर, इतने सारे कैपेबिलिटीज है इस प्रोसेसर के अंदर। तो ऑब्वियसली कैमरा का जो मामला है या कैमरा का जो फोटो प्रोसेसिंग जो पावर है वो भी आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा इस प्रोसेसर के चलते। तो अभी के टाइम पे ये जो प्रोसेसर है इस पे उम्मीद करेंगे और ज्यादा डेवलप होगा, और अगर ये डेवलप हो चुका है तो इन फ्यूचर जब 2021 साल पे नए नए फोन आएगा तब उसके अंदर ये प्रोसेसर हम लोगों को फ्लैगशिप लेवल के जितने भी फोन होगा उसके अंदर ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब बात है कि कौन सा फोन सबसे पहले इस 888 प्रोसेसर के साथ आएगा। दोस्तों Xiaomi ने ऑलरेडी बता दिया है कि उसके तरफ से जो 2021 साल पे Mi 11 आएगा उसके अंदर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएगा इसी Qualcomm Snapdragon 888 का प्रोसेसर। दोस्तों Mi 11 जो है उसके अंदर आप लोगों को QHD प्लस डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली 144 FPS पे जो एक्सेस करने का कैपेबिलिटीज है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा वगैरह का, तो Mi 11 के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने का बात चल रहा है। तो ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल का कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी या प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग जो पावर है उसको भी ये स्नैपड्रैगन 888 काफी अच्छे से मैनेज कर पाएगा।
अब देखो दोस्तों, Xiaomi ने ऑलरेडी लॉन्च किया है कि Mi 11 के साथ अपना जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है वो आएगा, तो Realme कैसे चुपचाप बैठ सकता है। Realme ने भी अपने एंड से लॉन्च करने का बात कर दिया है कि Realme एस करके जो है बेसिकली रेस नाम दे रहा है ये लोग इस स्मार्टफोन को, तो Realme एस जो है वो स्मार्टफोन जो होगा वो आएगा इसी स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ। इवन दोस्तों सैमसंग ने भी बोल रहा है कि ऑलरेडी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो नया फोन होगा 2021 साल के Q1 पे उस पर भी आप लोगों को इस स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने एक दो दिन पहले या कल ही शायद मैंने वीडियो बनाया था S21 के ऊपर, बट S21 पे जो बात चल रहा था कि वहां पे आप लोगों को 875 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, जहां पे 875 रहा ही नहीं तब हो सकता है कि S21 के अंदर आप लोगों को इस स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब बात है कौन से कंपनीज है जो चाहते हैं कि अपने फोन के अंदर इस स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर को यूज करने का। बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, जहां पे अगर हम बात करते हैं Realme, Oppo, Vivo, Meizu या आप बात करो Xiaomi वगैरह का, Asus वगैरह का, Samsung वगैरह का, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बट अचानक से ये 888 ये नाम देने का क्या रीजन है। देखो दोस्तों, जो कंपनीज वगैरह है जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम चाइना एंड स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जो है बेसिकली जो 800 सीरीज है वो चाइना के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी पॉपुलरिटी के चक्कर में ये लोग सोचा कि चलो भाई अब इसका नाम जो है इसको 888 रख देते हैं और इसी कारण जो नाम है उसको 888 रखा गया। 865 जो था वो काफी अच्छा प्रोसेसर था, 875 को लेके बात चल रहा था, बट फाइनली छोड़ो, 888 जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड उसके साथ Mi 11 भी आप लोगों को 2021 पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था स्नैपड्रैगन 888 के बारे में एंड छोटा सा जो Mi 11 के बारे में छोटा सा जानकारी। अगर Mi 11 के बारे में और कुछ जानकारी मेरे को मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को देते रहूंगा। इवन दोस्तों इस स्नैपड्रैगन 888 के बारे में और भी कुछ जानकारी मेरे पास आया तो आप लोगों को मेरे तरफ से वीडियो भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो के इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।